हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, जो आज का वीडियो होने वाला है उसमें हम बात करने वाले हैं 2023 के सबसे बेस्ट MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात करने वाले हैं फ्रेंड, जिसका प्राइस भी बहुत कम होगा, बहुत ही कम प्राइस रेंज में होगा और सबसे अच्छा होगा अब तक का ये। तो फ्रेंड, यदि आप भी एक अच्छा सोलर चार्ज कंट्रोलर या एक अच्छा SMU खरीदने की सोच रहे हो MPPT टेक्नोलॉजी में, तो फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आशा पावर का नोवा 50 है, जो कि मॉडल नंबर नोवा 50 है। फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त सोलर चार्ज कंट्रोलर है और ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों सिस्टम पर काम करता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो फ्रेंड अमेज़न पे ये 6849 रुपये में मिल रहा है, बट इसका नया वर्जन आया है 7.7, वही आपको लेना है। और यदि आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो ये 6164 रुपये में आपको पड़ने वाला है। और फ्रेंड बहुत ही ज़बरदस्त है, प्राइस भी सही है इसका, बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। अगर हम स्मार्टन और UTL की बात करें तो फ्रेंड उनसे ये बहुत ही अच्छा है कंपैरिजन में। और जो पैनल सपोर्ट भी है इसका, उन सब इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पैनल सपोर्ट है, देखिए। और अगर हम पैनल सपोर्ट की बात करें तो फ्रेंड जो नोवा 50 है इसमें 50 एम्पियर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, और जिसकी VOC भी सबसे ज़्यादा है, चाहे UTL हो चाहे स्मार्टन हो, सबसे ज़्यादा VOC इसकी 12 वोल्ट पैनल के लिए 60 वोल्ट VOC है और 24 वोल्ट पैनल के लिए 90 वोल्ट VOC है। और इस पर सिंगल बैटरी पर आप 900 वाट के तथा डबल बैटरी पर आप 1400 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्लियरली लिखा भी हुआ है कि जो नोवा 50 है इसमें आप सिंगल बैटरी पर 900 वाट के सोलर पैनल और डबल बैटरी पर 1400 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। अगर हम आगे बात करें, देखिए अगर इसके ये फ्रेंड वर्जन 7.7 आ गया है, 7.5 हमें नहीं ख़रीदना है क्योंकि ये पुराना वर्जन है, जो 7.5 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके फीचर अगर हम बात करें, ओवरचार्ज प्रोटेक्शन MPPT की एफिशिएंसी है 98.9%, और ऑटो वोल्टेज रिकॉग्नाइज, सिंगल बैटरी डबल बैटरी ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेगा, और आप खुद के हिसाब से सेटिंग कर सकते हो, यूज़र डिफाइंड सेटिंग भी है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम सोलर का यूज़ करेगा, और मैक्सिमम सारी की सारी ये बैटरी सपोर्ट करता है। 4-स्टेज बैटरी चार्जिंग दी गई है। अगर पैनल सपोर्ट की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पे 260 वाट के दो पैनल आप पैरेलल में लगा सकते हो, तो 520 वाट के पैनल लगेंगे। और आप यदि इस पर 55 वोल्ट VOC के 47 VOC के 450 वाट के दो पैनल इस पर आराम से लगा सकते हो। इस प्रकार आप 900 वाट के सोलर पैनल इस पर लगा सकते हो। और यदि आपको 1400 वाट के पैनल लगाने हैं डबल बैटरी पर, तो फ्रेंड आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो आप, जो भी यहाँ पे दिया गया है। और साइलेंट फीचर की हम बात करें तो यहाँ पे 4-स्टेज में बैटरी चार्जिंग होगी, और 12 सिंगल बैटरी डबल बैटरी दोनों पे काम करेगा, और बैटरी बैंक की आपको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा। और यहाँ पे फ्रेंड सारी की सारी प्रोटेक्शन इसमें दी गई है, और फोर्स ग्रिड टू सोलर शिफ्टिंग फैसिलिटी भी यहाँ पर है, आप खुद से सेट कर सकते हो बैटरी का वोल्टेज, उस वोल्टेज से ऊपर आते ही ये ऑटोमेटिक सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा, आप खुद के हिसाब से सेट कर सकते हो वोल्टेज। और इसके फीचर की हम बात करें तो बाहर सिंगल बैटरी पर 900 वाट के पैनल और डबल बैटरी पर 1400 वाट के पैनल लगा सकते हैं। सिंगल बैटरी के लिए VOC है 60 वोल्ट, डबल बैटरी के लिए 90 वोल्ट, और ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेता है सिंगल बैटरी डबल बैटरी लगाओगे। 50 एम्पीयर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है, 4-स्टेज में बैटरी चार्ज करता है, इसकी एफिशिएंसी 98.9% है, और ये अगर इसका पावर कंजप्शन की बात करें तो 1.5 वाट से भी कम ये एनर्जी कंज्यूम करता है। और यहाँ पे फ्रेंड सारी की सारी इसमें प्रोटेक्शन दी गई है और सब कुछ इसमें दिया गया है फ्रेंड, और 2 साल की वारंटी के साथ आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो UTL या स्मार्टन का आप MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर भी ले लोगे, बट वो 1 साल की वारंटी के साथ आता है, बट यहाँ पे 2 साल की वारंटी के साथ ही आ रहा है। और सारे के सारे मैंने फीचर बता दिए, ऑटो और फोर्स ग्रिड टू सोलर शिफ्टिंग ऑटोमेटिक भी हो जाएगा, या फिर आप खुद के हिसाब से भी बैटरी का वोल्टेज सेट कर सकते हो। और यहाँ पे फ्रेंड इसमें डिस्प्ले तो है ही सारी, साथ में यहाँ पे इंडिकेटर भी दिए गए हैं, 3 LED है इसकी स्क्रीन पर, ब्लू, ग्रीन और रेड।
और यहाँ पर अगर पैनल कनेक्शन की बात करें तो 4445 वाट के दो पैनल आपको पैरेलल में लगाने हैं सिंगल बैटरी पर, तो इस प्रकार आप 900 वाट के पैनल लगा पाओगे। और कनेक्शन यहाँ पे दिया गया है सिंगल बैटरी के लिए, और डबल बैटरी पे आपको लगाने हैं तो 36 वोल्ट VOC के दो पैनल आपको सीरीज में लगाने हैं, 36 वोल्ट और 250 वाट के पैनल, तो इस प्रकार आप इस पर 1000 वाट के पैनल भी लगा सकते हो और 1400 वाट के मैक्सिमम ये पैनल सपोर्ट।